ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர், ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும். லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது. हाय किनु, हाय। नया दोस्त है क्या? हाँ भाई, इम्पोर्टेड डॉग, बहुत कॉस्टली है। इसकी खासियत जानते हो क्या है? गुस्से वाला है, घर में मक्खी भी नहीं आने देता। वो तो इसके भौंकने से पता चल ही रहा है। ऐसा नहीं है भाई, दूसरा कुत्ता उस घर में ना आए यही कह रहा है वो। और कोई खास बात? बहुत हाई लेवल का कुत्ता है ये। हाँ। ऐसा वैसा नहीं है कि इधर उधर मुंह मारे। देखिए, इसके पीछे खर्चा तो बहुत होता होगा, है ना? वैसे इसे ऐसी जगह पर लेकर मत, अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। बाहर लाए बिना कहाँ रह सकते हैं? Hey, come, come, come. ओ, come. ये तो छूट गया। ओ, come, come, doggy, come. उसे रोको, कहीं वो पानी में ना चला जाए। ब्रेकिंग न्यूज, आज पुलिस को चेन्नई के नंगानेलूर नदी किनारे समीपता नाम की 15 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की लाश मिली है। उसकी बेरहमी से हत्या करके उसकी बॉडी को प्लास्टिक की थैली में भरकर उसी हाल में फेंक दिया गया था। इस हत्या की क्या वजह है ये अब तक पता नहीं चली है और इसके बारे में पुलिस इंक्वायरी चल रही है। शॉट और एक बार प्ले करो। ओके सर। उस कुलाड़ी को खून लगा के एक क्लोज लेना है, भूलना मत। खून के साथ दिखाएंगे तो यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा सर, प्रोड्यूसर नाराज हो जाएगा। अरे कान के पास लाकर क्यों अलार्म बजा रहे हो? ऑफ करो इसे। ऑफ नहीं हो रहा सर। रूम की सारी खबरें 100 से ज्यादा साइको किलर्स के किस्से से भरी हुई हैं। ये सब कुछ
एक फिल्म के लिए जो अरुण कुमार करने वाले हैं। मेरा 12 साल का फिल्म का सपना और मेरी पहली फिल्म की कहानी के लिए ढूंढ ढूंढ कर ये सारी न्यूज निकाली हुई है। सर, राहु काल लगने से पहले ऑफिस में पहुंचना होगा, ऐसा प्रोड्यूसर का ऑर्डर आया है। अरे थोड़ा जल्दी करिए, टाइम हो रहा है, जल्दी कीजिए। अरुण कितने नंबर का प्रोड्यूसर है? उसका हिसाब नहीं है। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ओपनिंग शॉट टॉप एंगल से दिखाते हैं। ஒரு பொண்ணு அவ வேகமா ரோட கிராஸ் பண்ணி போறா। स्टोरी எல்லாம் தெரிஞ்சீங்க தப்பு। स्टार्टिंग से एकदम डार्क के जैसा है। इस फिल्म में हम फैमिली को नहीं ला सकते भाई। एक काम करो, क्लाइमेक्स में एक बड़ा सा चेजिंग और फाइटिंग सीन रख दो, थोड़ा कमर्शियल पैकेज लगना चाहिए। आप एक फिल्म के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? ஆனா அவங்க ட்ரெண்ட் ட்ரெண்ட்னு சொல்லி வீணாக்கிடுவாங்க போலயேப்பா। கண்டிப்பா வீணாகாதரா। ட்ரெண்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணனா चाहोगे? ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துக்கிங்களா? अरे खाने का काम लगता है, ஷார்ட் ஃபிலிம் कैसे बनाएंगे? 75 साल से फिल्में ऐसे ही बन रही हैं क्या? உங்க அப்பா செத்து 1.5 வருஷம் ஆச்சு, நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவர் காசு எதுவும் சேர்த்து வைக்கல, நல்ல பேரை தான் சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்காரு, அதனால தான் அவர் பார்த்த எஸ்ஐ வேலையை உனக்கு தரேன்னு சொன்னார். இப்போ கூட மாப்பிள்ள கிட்ட சொன்னா உனக்கு அந்த வேலையை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருவார். ஏ அருண், தூ எஸ்ஐ கே எக்ஸாம் கே பாரே மே சோச், பாக்கி மே தே தூங்கா, சமஜ் கயே நா? அருணே, இந்த மாச வாடகை அந்த டெட் பாடி கேரக்டர். ஆல் தி பெஸ்ட், தேங்க்ஸ். स्टोरी तो मुझे बहुत पसंद आई। अरे क्या हुआ बताइए ना। नहीं, ऑफिस से आकर एडवांस ले लो। प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया। सुपर। भाई मैंने तुम्हारी कल कुंडली देखी तो तुम्हारी राशि और मेरी राशि मिल नहीं रही है, कहीं फिल्म में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, मुझे जरा सोचना होगा। भैया तुम फिक्र मत करो, मैं काम पर जाती हूँ, तुम कोशिश करते रहो। माँ, 26 साल की उम्र हो गई है, सब पूछते उनको जवाब दे देकर थक गई हूँ, आखिरी बार बता दे मुझे, हमें सुकून से जीना है, इसलिए तो कुछ काम करेगा या नहीं? सर, उस डेड बॉडी को हम अलग अलग एंगल से दिखाते हैं। ओपनिंग शॉट में ब्लैक कलर की कार ऊपर से नीचे गिरती है। सर ने बुलाया था। सर बिजनेस के सिलसिले में मुंबई गए हैं, आएंगे तो 6 महीने के बाद कांटेक्ट करने के लिए कहा है। हेलो माँ, मैं जीजा जी से मिलने जा रहा हूँ। तेरे बाप के नाम से वो काम कंफर्म हो जाएगा, पर ऐसा ही के काम के लिए अपने को पॉलिटिशियन लगेंगे। तेरे भरोसे अप्लाई कर सकता हूँ ना? बेटा, डायरेक्शन छोड़ के एक्टिंग की तरफ चले गए क्या? जी हाँ बिल्कुल। तो फिर वो डेड बॉडी का कैरेक्टर? कोशिश करता हूँ। पर कब? बहुत जल्द। ऐसा लग रहा है तब तक मैं डेड बॉडी हो जाऊंगा। अरुण, फिल्म का ख्याल दिमाग से निकाल दे, तू यहाँ नया है, जो भी तुझसे कुछ पूछता है ना तो सिर्फ हाँ में सिर हिलाते रहना, यहाँ के सब लोग बैल जैसे हैं। चल जय सर। मुझे थोड़ा बाहर काम है, मेरे आने के बाद क्या क्या हुआ वो तू बैठ ना, बैठ जा, कोर्ट में आ जाओ। तेरी तो बोल, जल्दी बोल, क्यों किया तूने ऐसा, बता माता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोल जल्दी बोल, बोल, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। ए हेलो, इधर आओ। रिसेंटली तुमने ही ज्वाइन किया है ना? जी हाँ सर। अच्छी बात है, जरा इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो जिससे ये उगल दे। सर मैं आज ही काम पर ज्वाइन हुआ हूँ। क्या हुआ, पहले दिन उपवास है क्या? ए, इसके साथ ट्रेनिंग ले लो, अब तो तुम्हें रोज ही ये काम करना पड़ेगा, पकड़ो इसे। पुलिस बनकर मारने की बजाय बेवकूफों की तरह देख रहे हो, हाँ? इसे पकड़ो, ये लाओ, इधर आ, ये देखो ऐसे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ऐसे मारते हैं। ओके सर, लो पकड़ो। ठीक है।
तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? कोर्ट में बुलाया था, यूनिफॉर्म पहनकर एक्यूज को साथ लेकर कहानी बताने चले गए। अगर ये कहीं भाग जाता तो तू क्या करता? वैसे मैं कहीं भागता नहीं सर, कहानी बहुत ही अच्छी है। इसे भी कहानी सुना दी क्या? इसके बाद किसी को कहानी सुनाई तो फिर देखना। ओके सर। कितनी बार कहा है मेरे आने तक रोड पर मत घुमा करो, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। हूँ देखो कितने गंदे हो गए हो। ओह ओ इस गधे से कितनी बार कहना पड़ता है, शाम होते ही डरते डरते काम करना पड़ता है। आज इसके पापा आएंगे तो आज फैसला करके ही रहूंगी। क्यों रे अमुदा, कितनी बार कहा है तुझसे 4:30 बजे तक घर में होना चाहिए। अमुदा कोई नहीं था क्या? कोई सगे वाला है? पशुपति जी। सर क्या हुआ? मर्डर केस है सर। क्या बात है? मेरी बेटी एग्जाम के लिए पढ़ रही थी, शराब पीकर मेरा पति गलत हरकत कर रहा था। बहुत कोशिश करके देखी मेरी बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। तुम्हारा पति करता क्या है? उसका ही सर काट दिया साहब। बेटा आज तेरी कौन सी एग्जाम है? हिंदी। पशुपति जी FIR बना दिया? कर दिया सर। उसे फाड़ दो, इस लड़की को एग्जाम के लिए लेकर जाओ। सर देखो जीजा से बात करके मैं ऑर्डर लेके आता हूँ। बेटा तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर एग्जाम दे दो। महालक्ष्मी इनकी ही सर, हम लोग बहुत परेशान है, प्लीज उसे ढूंढिए ना सर। ये भी इनके रिलेटिव है और ये कस्टम में है, इसलिए रिपोर्ट थोड़ी जल्दी तैयार। नहीं सर, वो स्कूल से आई ही नहीं। यस वो उस घर के बाजू से गुम हो गई है, इसलिए आजू बाजू के घर में CCTV कैमरा है तो हमें जाकर उन्हें भी चेक करना होगा। यस सर। जब लड़की गुम हुई थी उस वक्त घर में कुत्ते के गले में गिफ्ट बॉक्स बंधा हुआ था, उसे देखकर पेरेंट्स बहुत डर गए। ये लीजिए। ए, किससे पूछकर तूने उस मर्डर करने वाली औरत को रिलीज किया? वो खुद अपनी बच्ची पर रे... वो लड़की भी अपने अम्मू के उम्र की होगी जीजा जी। तो क्या हुआ, अपनी मर्जी चलाएगा क्या? मेरी मर्जी से नहीं किया, IPC सेक्शन 120, खुद की रक्षा के लिए जो मर्डर किया है उसी को ध्यान में रखकर मैंने उसे रिलीज किया। तो रूल्स के आधार पर तूने उसको रिलीज किया? क्या मैंने अपने साइन करके ऑर्डर पास किया था तो क्या करता, वहाँ पर वेट करता? वहाँ एक सब इंस्पेक्टर को रखकर एक फॉर्मेलिटी के लिए इंक्वायरी करके वो केस खत्म होने तक उस बच्ची की लाइफ बेकार हो जाती। ए, तो कुछ भी बोलता रहेगा, कल अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बात करता है कानून की और करता है अपनी मर्जी का। मेरा रिपोर्ट कार्ड साइन करके उसे काम की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है।
तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा वैसा काम करके सैलरी लेता हूँ? इस काम के लिए रहम वहम सब बेकार है, समझ गए तुम? कल इस केस के बारे में अगर कुछ पूछा जाएगा तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, तुम्हें काहे की चिंता है? इसमें लोकल पार्टी को भी संभालना पड़ता है। जितनी सैलरी मिलती है ना बस उतना ही काम कर, उससे ज्यादा नहीं करना। अरुण यही तेरा फर्स्ट और लास्ट है, मैं कह रहा हूँ। सुन लिया ना, तुम्हारे लिए भी फर्स्ट एंड लास्ट। माँ आ गई ना? सुबह सरदर्द है ऐसा कह रही थी। ओह अच्छा हुआ। मामा एक नई टीचर आई है, उस समय कोकिला की बेटी हूँ, पता नहीं है। अभी के लिए तुम ही मेरे पापा हो, कुछ भी पूछे सिर्फ सिर हिलाना, मेहरबानी करके मुंह मत खोलना। तीन थप्पड़ मार लो मगर मुंह मत खोलना प्लीज। बहुत बोलती हो, चलो। एक्सक्यूज मी मैम, कम इन, बैठिए। आप सच में इसके पिताजी हैं? क्या? यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा? क्यों? नहीं, बहुत यंग दिख रहे हैं इसलिए पूछा। थैंक यू। मामा फिसल गया लगता है। मिस मैं क्या करूं, बचपन में ही मेरी शादी हो गई थी, मौत के करीब थे मेरे चाचा, तो मेरा हाथ इसकी माँ के हाथ में रखकर चले गए। ठीक है वो छोड़िए, आपकी बेटी ने क्या किया है पता है? पता नहीं मिस। प्रोग्रेस कार्ड पर आप जैसे ही साइन है। अरे बाप रे ये क्या है? ए! लेकिन मैंने पहचान लिया। आप ब्रिलियंट है मिस। तुझे तो मैं तेरी इतनी हिम्मत, तू ये सब करेगी? ठीक है मैं जाती हूँ। तुम कह रही थी ना तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, घर में थोड़ा आराम करना चाहिए था ना, एग्जाम है बोल कर स्कूल में आना चाहिए था क्या? रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। तो फिर आप कहाँ आ रहे हैं? वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अम्मू मांग रही थी ना, हाँ। तो मैं उसे सरप्राइज के तौर पर देना चाहता हूँ। देखिए जी ऐसी चीजें ही देना ठीक है, पैसे देकर सर पर मत चढ़ाइए उसे। जानता हूँ मैं। आप इसे ऐसे मत मारिए, बेचारी लड़की है। इसने जो किया है वो बहुत गलत है मिस। इसलिए इतनी मार? माँ नहीं है इसलिए मुझे इतना मार रहे हैं ना? ये बात मैं भूल गया क्या? माँ नहीं है अम्मू। जो भी कर मगर बोल कर कर, इसके बाद मैं तुझे नहीं मारूंगा अम्मू, नहीं मारूंगा। आई एम सॉरी। मुझे तुम अपनी माँ की याद मत दिलाना, अपनी माँ की याद मत दिलाना। उसी के लिए तो कमा रहे हैं, अगर वो तुमसे मांगेगी तो क्या? नहीं। ए? मैम क्या हुआ? इस लड़की ने अपने प्रोग्रेस कार्ड पर पिताजी के साइन खुद किए हैं। ये इसीलिए रो रही है क्या? इसके पिताजी ने इसे बहुत मारा। क्या बोल रही हैं आप? हाँ बिन माँ की बच्ची है। बिन माँ की बच्ची? ये सब किसने बताया? इसके पिताजी ने। मैंने कुछ नहीं बोला। वो यही है। अरे बाप रे मर गया। ओ इसका बाप ये है क्या? सर सर नमस्ते, अपना ही है। नमस्ते मैम, इसकी जो मरी हुई माँ है ना वो मैं हूँ, और ये मेरा छोटा भाई है। अम्मू का बाप मैं हूँ। अम्मू का मामा मैं हूँ, अब तक शादी हुई नहीं है मेरी। सर और कुछ पूछे क्या? नहीं एक छोटी इन्फॉर्मेशन देनी है। अम्मू ये सब क्या है? पिताजी के झूठे साइन करके लाती हो, मामा को पिताजी बनाकर लाती हो। मैम सब मेरी गलती नहीं है, आपको पता है पिताजी की साइन मामा ने ही की है। अरे बाप रे। ये जो मेरे साइन है ना ये तूने मुझसे भी अच्छे किए हैं, इसीलिए फंस गया तो। इसे एक शॉल उड़ा दीजिए और इनाम में साबुन का बॉक्स दे दीजिए। मैं आपसे 100 बार कह चुकी हूँ, इसके बाद भी आप खामोश रहते थे, देख लिया ना कितनी हरकतें बढ़ गई हैं इनकी। स्कूल में पढ़ाई भी बेकार हो गई है, आप तो कुछ बोलते नहीं है और मैं कुछ कहती हूँ तो सुनते नहीं है। अम्मू चटनी चाहिए क्या? ए क्यों जी मैं पूछ रही हूँ ना। बोलो। एक तो इसे साथ में रखा है, ऊपर से आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, अच्छा होगा हॉस्टल भेज दे तभी ये सुधरेगी।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम स्कूल में नहीं आओगी, ऐसा अम्मू ने बोला था, तो फिर तुम स्कूल क्यों आ गई? सबसे पहले तुझे सुधरना होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों जी, आप कोई स्कूल देखेंगे या फिर मैं ही देखकर आऊं? बोलिए ना। नहीं पापा। थैंक यू। देखे लेकर छुपा छुपा कर रख रही हो ना, लेकिन ऊपर से एक आदमी देख रहा है, जानती हो ना, अब क्या करोगी तुम? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, जो जहाँ से लिया है वहाँ पर रख दो, ठीक है ना? अरे तुम कायल जल्दी चलो। ए, कितनी बार कहा है अजनबियों से बात मत किया करो, लोग अच्छे नहीं होते, सिर्फ बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन बहुत खराब होते हैं, बैड बॉयज। बी वेरी केयरफुल। क्यों जी, एक साइन क्या कर दिया? तो उसके लिए मुझे क्रिमिनल के रेंज तक पहुंचा दिया। वो छोटी गलती क्राइम ही होता है। ओहो। बोलिए जीजा जी। फोटोज ले ली ना? हाँ ले लिए। सुबह पुलिस स्टेशन में देनी है, संभाल के रखना। जी ठीक है। ये छुपा कर रखा था, ये घर में बहुत है, जाओ जहां से लाई हो वहां रख दो। अरे जाओ। शैतान कहीं की मां। जाओ, कोई देखने से पहले रख कर आओ, जाओ। मैम वो सब बच्चों को रख लेने दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं। नहीं नहीं उसे रख लेने दीजिए, क्योंकि इसके पैसे ऑलरेडी दे दिए गए हैं। किसने दिए? वो बाहर जो बाइक निकाल रहे हैं ना। ढूंढेंगे उसे। जीजा जी, अपने पास एक ही एविडेंस है उस गुड़िया का, सर उसी के जरिए आगे बढ़ना है। ये आगे बढ़ना वड़ना तुम मुझे मत सिखा, समझा? जीजा जी, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना तो हम जरूर उसे पकड़ सकते हैं। अमुदा को जिसने कत्ल करने की धमकी दी थी डेविड राजा, उसे पकड़ लिया है। केस खत्म हो रहा है या नहीं तू जाकर ये देख। नहीं जीजा जी, ये केस आज खत्म नहीं होगा। तू ऐसी सब बातें क्यों करता है? जीजा जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए।
लड़की को लव लेटर दिया था, ये सब सही है मैडम, लेकिन उसकी कत्ल करने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है मैडम। तो फिर पुलिस को देखकर भागा क्यों था? हम डर से भागा था मैडम। सही वक्त है जीजा जी, एविडेंस के बारे में कह दूं क्या? जल्दी बोल। वो लेडी है ना, वो थोड़ी क्रैक टाइप की है, हायर ऑफिसर्स भी होंगे तो भी नहीं सुनेगी, और तेरे जैसे नाई को तो बिल्कुल इजाजत नहीं देगी। तो आप जाकर बता दीजिए। हाँ यार, उनकी जो भी बात है ना, सही ला के सुनता रहता हूँ मैं, तो क्यों मुझे फंसा रहा है यार? चीचा जी, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। कोई भी पीछा बिछा नहीं, छोड़ उसे, क्यों मैं ऐसा झोंका? आवाज कैसी हो रही है? नहीं मैडम, इसी केस के बारे में पूछ रहा था। चीचा जी, इसे किसी भी तरह मार और सच उगलवा ले, चल मार ना, चल। मैडम 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 हेलो, हाय बच्चा, खाना खाया? आज थोड़ा काम पर बिजी है ना मम्मा? चाची क्या कह रही है? अच्छा ठीक है ठीक है, आकर मिलती हूँ, फोन रखती हूँ बेटा। हाँ ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ तुझे? मैम इसे मारना वेस्ट है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई रेपिस्ट या किडनैप करने वाला या फिर वन साइड लवर नहीं है, वो प्लान से हत्या करने वाला मानसिक संतुलन खोया हुआ इंसान है, जैसे वो होते हैं ना वो साइको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैम एक मिनट, मैम एक्सक्यूज मी, मैम ये थोड़े दिन पहले गुम हुई समीपता का फोटो है और ये दो दिन पहले गुम हुई अमुदा का फोटो है, दोनों को अगर मिलाकर देखें तो दोनों की उम्र 15 साल की है, स्कूल स्टूडेंट्स, और स्कूल से घर जाने के टाइम इन दोनों का किडनैप हुआ है। जब समीपता की बॉडी निकाली थी तो उस वक्त का लिया हुआ फोटो है ये। ये दो दिन पहले अमुदा को किडनैप किया था, उसके बाद उसका घर से मिला हुआ ये फोटो देखिए। ये देखिए मैम, समीपता के सर से जो बाल निकाला गया है, वैसे ही इस गुड़िया के सर से भी बाल निकाला गया है, जिस तरह समीपता की आंखों को निकाला गया है और इसका मुंह जिस तरह से खराब किया गया है उसी तरह गुड़िया का भी है मैम। और वो छोड़कर मेन पॉइंट, जैसे कि सामने वाले ने माथे पर, कान पर, नाक पर जिस तरह समीपता को घायल किया उसी तरह गुड़िया को भी घायल किया गया है। सो ये सबसे लगता है कि दोनों इंसिडेंट एक ही आदमी ने किए होंगे, इसका मतलब कि वो साइको होगा। सिर्फ यही नहीं मैम, अब तक साइकोस के बारे में जितनी सारी न्यूज आई हैं, तो 27% मारने के टाइम किसी को अगवा करने के बाद अपनी निशानी छोड़कर जाने की आदत होती है। उदाहरण के लिए 1970 में अमेरिका में ज़ोडियाक नाम का एक सीरियल किलर था, वो 10 लोगों को शूट करके मारकर क्रॉस का सिंबल निशानी के तौर पर छोड़ता था। डेनिस रेडार नाम का एक इंसान एक लड़की के रूप को अपनी निशानी के तौर पर छोड़कर गया था, और उस पिक्चर को अगर घुमाकर देखा जाए तो बीटी के नाम का एक इनिशियल नेम है। अपने इंडिया में साउथ मुंबई में रविंद्र नाम का एक आदमी कत्ल करने के बाद बियर बॉटल छोड़कर गया था। वॉशिंगटन में जॉन एलन मोहम्मद नाम का एक आदमी, उसने कॉलिंग कार्ड को निशानी के तौर पर यूज किया है, उसी तरह एक जॉन फियांसी आदमी है, टूटे हुए क्रॉस का इस्तेमाल करता था मैम, वो कत्ल करने की स्टाइल को ही निशानी के तौर पर छोड़ देता था। 19th सेंचुरी में लंदन का एक जैक द रीपर कॉल गर्ल्स को मारकर उनके बदन के दो टुकड़े करता था। ये क्यों इस तरह साइन छोड़कर जाते हैं और आगे वो क्या क्या करने वाले हैं, वो सारे निशान देखकर पब्लिक को डर लगता था, उसे देखकर साइकोस मजा लेते थे और यही उनकी चाहत होती है। ऐसे 100 के ऊपर एग्जांपल्स हैं मैम, उसी तरह इस केस में जो निशानी है वो है इस डॉल का सर। अभी वो अपने डर को मजे में ले रहा होगा, इसलिए कह रहा हूं हमें इस रूट पर चलकर देखना चाहिए मैम। इसका मतलब हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं? मैम मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। ये जो संयुक्ता का कत्ल हुआ था ना, उस वक्त ऐसी गुड़िया का सिर नहीं मिला था ना मैम, उसके लिए हम इंक्वायरी कर सकते हैं मैम। ओके, संयुक्ता के मर्डर केस को तुम ही हैंडल कर रहे हो ना? मेरी कहानी के लिए मैंने ऐसा न्यूज आर्टिकल कलेक्ट करके रखा था मैम। तुम असिस्टेंट डायरेक्टर थे, बाप का नाम यूज करके SI बन गए हो, है ना मैम? ए अनाप शनाप खाकर यहाँ उल्टी मत किया करो, तुम्हारी ये जो स्क्रिप्ट है ना वो फिल्म के लिए यूज करो, केस के अंदर लाकर मेरा भेजा मत फ्राई करो। हाँ तो अगर तेरा दिमाग सही चल रहा होता तो अभी तक तू डायरेक्टर बन गया होता, वो नहीं बना इसलिए यहाँ काम कर रहा है क्या? मैम प्लीज, समीपता के किडनैप के 2 दिन बाद दर्दनाक तरीके से उसकी लाश मिली थी और अमुदा को गुम होकर 2 दिन हो चुके हैं,
मैम अगर हम तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो अमुदा का भी यही हाल हो सकता है मैम, और यही होगा। ए तू मुझे ऑर्डर मत दे, जा सिगरेट लेकर आ जल्दी। जाना मैं एसीपी बोल रही हूँ, उस एरिया को कवर करो, मीडिया और पब्लिक को अंदर मत आने देना, फोटो और वीडियो को भी अलाउ मत करना। आई एम ऑन द वे। अरुण तूने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उस एसआई ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। मेरी परमिशन के बिना मीडिया वालों को अंदर मत आने देना। ओके मैम। नहीं सर, हमारी इंक्वायरी में ऐसे गिफ्ट बॉक्स का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी आप उनके पेरेंट्स से एक बार पूछ कर देख लीजिए। सर ऐसी कोई चीज हमें नहीं मिली है। समीता जब हॉस्टल से घर आ रही थी तभी किसी ने उसका किडनैप कर लिया था सर। हाँ, पोस्टमार्टम करते वक्त ही मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। दर्द क्या होता है उसे पता ही नहीं है, हैवान है वो। बहुत ही बेरहमी से उस बेचारी बच्ची की आंखें निकालकर, दांत तोड़कर, बालों को गुच्छे गुच्छे में नोचकर, फिर बच्ची के सारे बदन को चाकू से काटा है। और ये सब कुछ जब बच्ची जिंदा थी तब उसने ऐसा किया है। दिस मैन इज सफरिंग फ्रॉम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विद अ वेरी एग्रेसिव बिहेवियर। शॉर्ट में कहें तो ये एक साइको है, कंप्लीटली साइको। सर रेप के बारे में कुछ? नो रेप, बट उस जगह सर ये समीपता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सेम, कोई भी पॉइंट डिफरेंस नहीं है। जैसे अमुदा की हत्या हुई है ठीक उसी तरह से इसकी भी हुई है, आई एम श्योर। सर हम इन रिपोर्ट्स के जरिए कत्ल एक ही आदमी ने किया होगा ऐसा तो नहीं कह सकते ना मैम? हाँ सर, जिस दिन वो गई उस दिन उसके नाम से कोई गिफ्ट रख कर गया था, बट वो गुमशुदा हुई इसलिए शॉक में मैं बताना भूल गई। हॉस्टल से ये मिला है। यार क्या हो रहा है लक्ष्मी? डीसी भी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अमुदा के मर्डर केस की फाइल क्लोज होने से पहले संपिता के मर्डर से कोई कनेक्शन है क्या इसका? कैसे? नहीं नहीं सर, ऐसा मैं तो क्या है लक्ष्मी? सर
जैसा तुमने बोला कि इस कत्ल को करने वाले भी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और हादसा होने वाले के घर से कोई मोटिव है या नहीं बिना ये पता चले आगे कैसे बढ़ेंगे हम किसके ऊपर शक कर सकते हैं और उसे कैसे पकड़ेंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है कुछ तो सोचना पड़ेगा सर आई हैव एन आइडिया सर बट उसमें थोड़ा सा रिस्क है बोलो सर इस केस में बच्चों को किडनैप के टाइम गिफ्ट बॉक्स छोड़कर जाना डेड बॉडीज को आम जगह पर छोड़कर जाना वो खुद की पब्लिसिटी कर रहा है सर एक कलाकार को जैसे शाबाशी ताली बजाना मान सम्मान मिलना उसी तरह एक साइको के लिए पब्लिक उसके बारे में कितनी जोर शोर से बोल रही है उससे कितनी डरती है इन बातों से उसे उत्साह मिलता है सर यही बात उसके मन और दिमाग को लेवल में रखती है सर और प्लान करके कत्ल करने का उसे आइडिया मिल जाता है उसे रोकना है तो उसके मन और दिमाग के लेवल को तोड़ना होगा उसके बारे में कोई भी न्यूज या मीडिया में कोई भी बात नहीं हुई तो और कोई भी उस पर अगर गौर नहीं करेगा तो वो पक्का कोई गलती करेगा उसका टारगेट चेंज होगा और उसकी प्लानिंग में भी गलती होगी सर और तभी उसे पकड़ने के चांसेस हैं सर इसलिए इस डेड बॉडी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए सर इवन उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता चलना चाहिए सर यह आइडिया एक बार ट्राई करके देखें ए अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई ना तो हम लोग के लिए सिर दर्द हो जाएगा होम मिनिस्ट्री सीएम मीडिया सबको जवाब देना पड़ेगा मैम सिर्फ अमूदा से यह कत्ल रुकने वाला नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस साइको का पीछा करने के लिए दूसरा कोई क्लू भी नहीं है बेरहमी से किया कत्ल देखकर डॉक्टर भी परेशान हो गया है तो पेरेंट्स देखेंगे तो क्या हालत होगी सर जरा आप अपने हिसाब से सोचिए सर अरुण किसी भी केस को हैंडल करने के लिए कुछ प्रोसीजर और एथिक्स होते हैं उसे हम फॉलो करेंगे उसी में हम सबकी भलाई है तुम जाके उनके पेरेंट्स से मिलकर बात करो और मैं डीसीपी से जाके बात करूं सर इस केस में कोई नॉर्मल प्रोसीजर काम नहीं आएगी सर इसलिए ये आइडिया बताया है प्लीज सर काम का होगा या नहीं होगा ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है जो कहा है वो कर जा वो अमूदा नहीं होगी सुनो चलो उतरो लेकर जाओ आइए जी सर आइए कुछ नहीं होगा चलिए मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं मैं नहीं जाऊंगी मुझे देखने की हिम्मत नहीं है मुझे अंदर मत लेकर जाइए वो मेरी बच्ची हो ही नहीं सकती मत रो वो मेरी बच्ची नहीं हो सकती ऐसे रो ही मत बहन जी क्या हुआ जी वो हमारी बच्ची नहीं है सच बोल रहे हैं ना मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ वो हमारी बेटी नहीं है उसे कुछ नहीं होगा सर आपने अच्छे से देखा वो हमारी बेटी नहीं है सर चलो सर वो अमूदा की बॉडी तुमने जो सजेशन दिया वो मैंने डीसीपी को बताया उन्होंने परमिशन दे दी सर तो फिर अमूदा की डेड बॉडी ये गवर्नमेंट के परमिशन के बिना चलने वाली मॉर्चरी है बाहर से देखने में साधारण मेडिकल गोडाउन दिखता है पॉलिटिकली सपोर्टेड क्रिमिनल सर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता है तो उन्हें एनकाउंटर करके बॉडी को यहाँ ले आते हैं हम लोग एक मुश्किल केस करके उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं और फिर इन सब बॉडी को मामला ठंडा होने के बाद डिस्पोज कर देते हैं मिस्टर अरुण आपने साइको के बारे में जो भी बताया उसमें एक लॉजिक है जब मैंने आईजी से कहा तो उन्होंने परमिशन दी और अमिता की बॉडी को हम यहाँ लेके आ गए ये जगह डॉक्टर नंदनन के अंदर में ही है अमिता की बॉडी को छुपाने में कोई मुश्किल नहीं हुई जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो आदमी साइको किलर है तो अगले अटेम्प्ट से पहले हमें उसे पकड़ना होगा ओके मुझे पता नहीं था आउट आउट अंदर आइए आओ मेरे साथ हेलो सर दास
मैं अम्मू का पिता हूँ। ये थोड़ी पढ़ाई में वीक है, बस इसीलिए स्कूल को हमने चेंज किया है। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, बड़ा थोड़ा देख लीजिएगा सर। मैं देख लूंगा, आप जाइए। मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। गो एंड सिट। ये मॉडल तो अब नहीं आता सर, इसे बंद हुए काफी दिन हो चुके हैं। इस दुकान पर उस जैसी गुड़िया ज्यादा बिकती नहीं है, इसीलिए पिछले साल इसे बंद कर दिया है। एक ही डॉल है सर, आइए दिखाता हूं। ये गुड़िया इंपोर्टेड है सर, थोड़ी ओल्ड टाइप की, इसलिए कोई लेता नहीं है। मैं भी इसे और खरीदना बंद कर रहा हूँ सर। डियर स्टूडेंट्स, लड़कियों की पढ़ाई इंडिया में बहुत जरूरी है। एक देश की उन्नति में लड़कियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए इंडिया को आगे बढ़ाने में हम सबको मदद करनी चाहिए और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। एक सम करना तुम्हें नहीं आता है, इस साल पास कैसे होगी? अरे बाप रे, दुख रहा है सर। बोलो, पढ़ाई छोड़ के सिर्फ मस्ती करती रहती हो तुम। दुख रहा है सर। कब सुधरोगी? सर कब सुधरोगी? बोलो सर, क्या हुआ सर? सर फंक्शन स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। सर दर्द हो रहा है सर। सर कल तुम में से किसी को भी मैं सम करने के लिए बोलूंगा। यस सर। कल इससे भी कड़ी पनिशमेंट मिलेगी, अंडरस्टैंड? यस सर। जाओ। सर, 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 प्लीज सर, सर, इस साल सर, हमारे स्कूल में प्लस टू का 100% रिजल्ट्स आना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सबको डिग्रेड कर दूंगा। जो भी एवरेज स्टूडेंट होंगे वही पास हो पाएंगे, और बिलो एवरेज वाले कंफर्म्ड फेल हो जाएंगे। इस साल मेरी क्लास का रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए, समझी? पिछले हफ्ते एक लड़के के साथ तुझे बाइक पर बैठे देखा था मैंने। सर प्लीज, पढ़ाई लिखाई छोड़कर सारा शहर घूमोगी? लगता है अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी ही पड़ेगी। सर, प्लीज सर। नहीं बात करूं? फिर मैं जो बोलूंगा वो करोगी? हाँ? करोगी या नहीं? ओके, तुम्हें इस साल पास होना है ना, तो जो मैं बोलता हूँ वो करो। देखना, इस साल तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जाके डोर बंद कर दो। इस स्कूल की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। ये स्कूल स्टूडेंट्स की सुरक्षा का भी अच्छे से ख्याल रखता है, और इन चीजों का क्रेडिट जाता है यहाँ के टीचर्स को। मैं उन सभी टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज की हमारी चीफ गेस्ट है मिसेस अरवला जॉर्ज। वो एक बहुत ही अच्छा मैजिक शो दिखाने वाली हैं।
ओके, यूनिट 4 कल बताती हूँ। ओके मैम। कोकिला जी। हाँ। आपके हस्बैंड आ गए? हाँ बाहर हैं। कल मैं हाफ डे जा रही हूँ। वो? कल स्पीच की ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रही हूँ। ओके, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्या? हाँ, कभी कभी माँ कहती है। बिजी मिस। हाँ? ओह सॉरी मीरा, भूल ही गई थी, ये लो मिस। ये तो बहुत ही अच्छा Thank है you. अपने माँ पिताजी को मेरी तरफ से विश करना। आप ही बता दीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी एनिवर्सरी, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू मैम, बाय बाय। ये मशीन किसी काम की है क्या? हाँ दीदी, कायल के लिए भी मैंने एक ऐसा ही खरीदा है। हाँ। अगर वॉइस रिकॉर्ड करेंगे तो स्पीच थेरेपी आसान होती है। चलो वो सब बातें छोड़ो, तुम अपनी शादी के बारे में कब बताने वाली हो? कायल को छोड़कर मैं शादी नहीं कर सकती, उसे एक्सेप्ट करने वाला कोई मिला तो ही शादी करूंगी। वैसा मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। ए देखकर 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 मैरिज एनिवर्सरी थी सर, उसने कहा था जल्दी ही घर आ जाऊंगी। फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछ लिया आप लोगों ने? सबसे पूछ लिया सर। मीरा ऑटो से गई थी इतना ही पता है, ऑटो का नंबर नहीं देखा। ऑटो में कोई नाम या फोटो या फिर कोई निशानी देखी आपने? नहीं, ठीक से याद नहीं है, उस वक्त मेरी बस भी आ गई थी। ठीक है, हमारे साथ चलिए, वहाँ जो ऑटो खड़ी है उनसे पूछेंगे, वहाँ देखकर कुछ बताइए। नहीं सर, मुझे याद नहीं है, कायल का स्कूल छूट गया है, वो वेट करती हूँ कि मुझे जाना होगा। आपकी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए काम की है, लड़की की जान बचाने के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझती हूँ सर, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे जितना पता है बता दिया। मैम प्लीज कोऑपरेट कीजिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, कायल रोती होगी और वो रोएगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हेलो, जो गुमशुदा हुई है वो मीरा किस हालत में है वो पता नहीं, वो कहाँ होगी, इस डर में सब लोग जी रहे हैं। प्लीज सर, कायल की जिम्मेदारी मुझ पर है, मुझे जाना है, सॉरी मैम। तुम कभी भी मेरी बात मत सुना करो, अब बस कब आएगी, हम घर कब पहुंचेंगे, बर्थडे फंक्शन जाती हो तो वहां से जल्दी निकलने के बजाय वहां बदमाशी करके इतना लेट कर देती हो, आगे से ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। ऑटो, कायल इधर आओ। मैडम ऑटो चाहिए? मैडम ऑटो। आइए ना बैठिए, आइए ना मैडम बैठिए ना। अरे मैडम, ए ए जा रही हो, चल चल मैडम। आ मैडम, मैडम सुनिए ना, ए चलना यार। अरे मैडम आ जाइए ना, छोड़ देंगे आपको। अरे आइए ना, तो चुप आ जाइए, आ जाइए, आप डर क्यों रही हैं मैडम। क्या यार हाथ से निकल गई। छोड़ यार, कोई दूसरी मिल जाएगी ना। आ? साथ में कौन है बे उसके? कोई आदमी लेकर आई है रे।
ए, तो इसका बॉडीगार्ड है क्या है? मैं आपको पुलिस वाला नहीं समझती थी। तो क्या गुंडा समझती थी? नहीं, बिना काम के घूमने वाला समझती थी। इससे तो मैंने जो कहा है वो बेटर था। कायल के पापा अभी कहाँ हैं? कायल मेरी बेटी नहीं है। जानता हूँ, कायल आपकी बेटी नहीं है, आपकी बहन की बेटी है, और वो बेचारी बीमार थी और गुजर गई। उनके हस्बैंड कायल बात नहीं कर सकती, इसलिए इसे साथ में नहीं ले गए। इसलिए कायल को आप इस जिम्मेदारी से संभाल रही हैं। सही कह रहा हूँ ना? ये सब आपको कैसे पता? अम्मू से पूछा था। अम्मू से? अम्मू को मैंने लालच दिया कि तू प्रोग्रेस कार्ड में पकड़ी नहीं जानी चाहिए, ऐसा मैं साइन करके दे देता हूँ, तो उसने फौरन बता दिया। ये सब कायल का ही काम है क्या? हाँ, कायल का ही है। हमेशा कुछ ना कुछ बनाती है, हमेशा पेंटिंग बनाती रहती है। मैं भी कुछ नहीं कहती। लास्ट टाइम आप ही ने उसे स्केच पेंस खरीद कर दिए थे ना? नो 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 नो, नहीं। खुश हो ना? ओके, गुड नाइट। अरुण, नाली कॉटो करेंगे ये लारी पे पागला। इधर चुन तोड़ने चुना ना सोल रहा।
सर पंचर हो गई सर। हेलो भाई उस ऑटो को रोको। क्या हुआ सर? अरे जरा रुकिए ना। हाँ ऑटो। हाँ ओके रखो 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 नालंबू ब्रिज के पास चलो। हम लोग हारते ही जा रहे हैं सर। हुआ क्या सर? मीरा की डेड बॉडी कॉर्पोरेशन के कचरे के डिब्बे में मिली। सर क्या बोल रहे हैं आप? हेलो हाँ बोलो बीजी। उस दिन मीरा जिस ऑटो में गई थी उस ऑटो के पीछे बीजी बाहर आकर बोलो बीजी। हेलो हेलो उस ऑटो के पीछे रेड स्टार था उसने लिखा वो बीजी क्या बोल रही हो समझ में नहीं आ रहा है। हेलो सुन रहे हो? हेलो हेलो उस ऑटो के पीछे लाल रंग में लिखा था बीजी यहाँ सिग्नल ब्रेक हो रहा है। हेलो पीछे रहो कोई आगे नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है उधर से निकाल अच्छे से साफ कर। हाँ आराम से उस तरफ। अरे बोला ना अरे नीचे से निकाल ना। स्टेशन से आए यहाँ कार्रवाई चल रही है रिश्ता मत करो खींच रहा हूँ उसे पीछे की। हाँ निकाल नमस्ते सर हटाओ उसे हटा। हाँ देख तरीके से निकालो संभाल के आराम से निकालो निकालो लिखा था यही बताने के लिए कॉल कर रही थी। सर बताता हूँ सर सर मैं कत्ल नहीं करता सर सिर्फ टिप्स देता हूँ सर। टिप्स देते हो तुम? हाँ सर मर गया सर। तू नहीं लेगा तो कौन लेगा उन्हें? इसमें एक और लड़का है सर जिसका नाम है इंद्रराजा। इंद्रराजा स्कूल की लड़कियों को बातों में फंसा कर वो मेरे ऑटो में लेकर आता था सर फिर मैं उसके घर पर छोड़ता था जिसके लिए मुझे पैसे मिलते थे सर। उसके बाद वो उन लड़कियों के साथ क्या करता था मुझे कुछ नहीं पता सर। क्या करता है ये इंद्रराजा? स्कूल में टीचर है सर। बोलता है स्कूल के टीचर का काम है? सर मर गया सर। कौन से स्कूल का टीचर है वो? वो नहीं जानता सर सिर्फ उसका घर मुझे पता है। शालिब तो बार बार सर सर करके बोल रहे उसका घर कहाँ है? शारदागंज का है सर अरविंदा स्ट्रीट में। ओके सर। तो वो आदमी ये है। हे, इसी की क्लास में मेरी अम्मू पढ़ रही है। स्टूडेंट्स सबको पेपर मिल गया ना? साइलेंट। 35% से नीचे वाले कौन है? हम्म
सर, सर मीरा का बैग यहाँ है सर। मीरा, जीजा जी, कितना परसेंटेज? 34 सर। सुनाई नहीं दिया, पूरी क्लास को सुनाई दे, इतना जोर से बोलो। 34 सर। पूरा छान मारा सर, और कुछ नहीं मिला। अरुण, वो स्कूल में ही होगा। टेस्ट में फेल हो गई। ओके, आप लोग जाओ। इस साल को एक स्टूडेंट पक्का डिग्रेड होने वाला है, और कहीं वो तुम तो नहीं हो? बोलो, लगता है डिग्रेड में तुम्हारा ही नाम डाल दूं मैं। नहीं सर। मैं जो कहता हूँ तुम वो सुनती नहीं हो। अब बताओ मैं क्या करूँ? बोलो, तुम्हारा नाम डिग्रेड में डालना ही पड़ेगा। सुनती हूँ सर, सुनती हूँ मैं। मेरी बात मानोगी? सुनती हूँ सर। जाकर डोर बंद कर दो, जाओ। टीचर है क्या? हाँ हाँ सर। अभी कहाँ होंगे वो? स्कूल तो छूट गया, वो अभी शारदा पेट में ट्यूशन सेंटर में होगा सर। सर, फाइव। सर कोई बात हो गई? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, चलो ट्यूशन सेंटर चलते हैं। हाँ, 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 चलो। गलती से हो गया। नहीं सर, सर नहीं, 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 नहीं। Thank you.
क्या कहने के लिए बोल रहे हो? क्यों किया ऐसा? कभी अकेलेपन को फील किया है आपने? मशीन की तरह सुबह सुबह उठ जाना, मशीन की तरह खाना खाना, एक ही क्लास में बार बार जाना, बार बार वही किताबें, बार बार वही सब्जेक्ट्स, लाइफ बोरिंग हो जाती है। जिंदगी में थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए होता है, और उसके लिए मैं आवाज बंद कर, उसके लिए लड़कियों को मारेगा, लड़कियों को मारेगा। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। इंद्रराज, तू शाम में मीरा को अपने घर में लेकर गया था, मैं जानता हूं। मीरा मेरे पास ट्यूशन के लिए आती थी। उस दिन मीरा ऑटो में चढ़ी और मैं उसका इंतजार कर रहा था। ओ सॉरी, सवारी है क्या? मैं जानता था सर, वो मुझे अंदर बैठने के लिए जरूर बोलेगी। और sure? वैसा ही हुआ। हाँ, sir, मैंने उसे बातों में फंसाया और उसे अपने घर लेकर हाँ, गया। बहुत अच्छा है ना? मेरी वाइफ भी अच्छा डिजाइन बनाती है। मेरे घर में बहुत सारे खूबसूरत डिजाइन है उसके। सच कह रहे हैं? हाँ, तुम मेरे घर चलो, तुम्हें बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आओ ना। आराम से यहाँ बैठो, मैं लस्सी लेकर आता हूँ। ओके सर। टैबलेट से कुछ गलत मत समझना। ए ए मीरा, मीरा सुनो। ए मीरा, रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो मीरा। मीरा नहीं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो वहां से चली गई और मैं वापस स्कूल चला गया। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। मेरा मेरे घर से चली गई थी। झूठ मत बोल इंद्रराज, डर नहीं है ऐसा ढोंग कर रहा है तू। उन सब लड़कियों को तूने ही मारा है। ये ढोंग करके इस केस से बचने के बारे में सोच रहा है? तुझे जिंदा छोड़ने के लिए मेरे पास कोई भी वजह नहीं है। सच बोलेगा तो मरने के लिए जेल में रहेगा। सॉरी जेंटलमैन, आप केस को सुलझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए जानबूझकर आप लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। ए, हम लोग झूठा केस बना रहे हैं, झूठा बना रहे हैं। ए, उठ, उठ वे, बच्चियों का कत्ल करता है फिर उन्हें फेंक देता है, तुम्हें तो हॉस्पिटल में भी नहीं रखना चाहिए। क्या कर दिया? प्लीज बाहर जाइए आप लोग। लड़कियों के अब्यूज केस में वो टीचर का नाम इस्तेमाल कर रहा है सर। हमने ठीक से राउंड अप किया तभी ये पकड़ा गया सर। सर, उसके खिलाफ जितने भी एविडेंस है सब बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो एक कहानी बनाकर इससे बचने की कोशिश कर रहा है। वो इन सारी बातों को जानता है सर, वो पक्का झूठ बोल रहा है। अपनी पुलिस इंक्वायरी में अगर हम उसके साथ कड़ाई से बर्ताव करेंगे ना, तो वो रास्ते पर आ सकता है। गुड जॉब लक्ष्मी, हमें लगा था कि इसे पकड़ नहीं पाएंगे। कांग्रेट्स टू योर टीम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जीजा, ये गिफ्ट यहाँ क्यों रख रहे हो? वो क्या है, अम्मू को बताना नहीं। इवनिंग में अम्मू केक काटेगी, तब उसे सरप्राइज देंगे। अम्मू, हे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पियानो, खुश हो ना? ए, एक मिनट रुक, एक साथ सबकी सेल्फी हो जाए। मुंह लटका के क्यों खड़ा है, थोड़ा हंस ना। पहले केस से बाहर निकल फिर हंस। ए, ये लड़की को देख, वो लड़की जो अच्छी है जीजा जी, बहुत ही अच्छी है ना। तुझे कैसी लड़की चाहिए मुझे पता चल गया है। ये क्या कह रहे हैं आप?
वो सेकंड फ्लोर पे है सर। तू कहीं भी भाग नहीं सकता, इज्जत से गन नीचे रख दे। कहा ना गन नीचे रख। देखो मेरे पास बताना, वरना वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। इमराज, एक के बाद एक गलती मत करो, उन्हें छोड़ दो। नो, जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। आई हैव टू गो। तू कुछ भी कहेगा पर तुझ पर केस तो लगेगा ही। अपने आप को सरेंडर कर दे, हम तुझे कुछ भी नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम मुझे एनकाउंटर में मारना चाहते हो, मैं जानता हूँ। तू बच नहीं सकता इमराज, गन दे दे। नहीं दूंगा। अपनी गन नीचे करो वरना मार दूंगा। नीचे करो, करो, इसे मार दूंगा मैं। जो कहती वो कर इमराज। पीछे हट जाओ, पीछे हटो। मैम, उसने गन गलत तरीके से पकड़ी है और बहुत घबराया हुआ है। अब ऐसी ही बातें करती रही है। वह हॉस्पिटल के बाहर जाने से पहले उसे पकड़ लेंगे। बकवास बंद करो। मैम, वो गन बहुत ही सेंसिटिव है, फायर हो सकता है। मैं जानती हूँ, पहले तुम बाहर जाओ। मैम, मैम, उसे कैसे भी बचाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है। तू पहले बाहर निकल। इधर देख, मैं फिर से कह रही हूँ, गन देकर सरेंडर कर दे। नो, मैं तीन तक गिनूंगा, तुम लोग अपनी गन्स नीचे कर दो, नहीं तो कंफर्म मैं इसे मार दूंगा। एक, दो, गन नीचे करो। तीन, नीचे करते हो कि नहीं? मैं जानता हूं तुम लोग मेरा एनकाउंटर करना चाहते हो, मुझे सब पता है। क्या हुआ जीजा जी? बहुत देर से हम वो दिखाई नहीं दे रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या यही गई होगी, यहाँ से बाहर कहाँ जाएगी? अरे सब जगह देख लिया। सब कब हुआ? हिम्मत से काम लो, हम उसे जल्द पकड़ लें। कुछ नहीं होगा, रोइए मत। रोको, रोको। हैंडीकैम से एक बच्चा शूट कर रहा था, वो कैमरा कहाँ है? से केस को निकालो। हंसो। ए राहुल, अम्मू को बुलाओ, केक काटना है, ठीक है? ओके अंकल। जाओ। क्वैक क्वैक। अम्मू, पापा बुला रहे हैं, केक काटना है, आ जाओ। एक मिनट, आ रही हूँ।
अम्मू जल्दी आ जाओ, पापा बुला रहे हैं। हाँ आती हूँ। अंकल वो नहीं आ रही है। इस वीडियो में अम्मू किसके साथ बात करी थी पता है? नहीं अंकल। ए, देख तू डर मत, अच्छे से सोच कर बता। हाँ उस अंकल ने ब्लू कलर का शर्ट पहना था, अम्मू वही गई थी। सर मैं उसे अकेले लेकर नहीं गया था। तू ही अम्मू के साथ जा रहा था, वो मैंने वीडियो में देखा। और गेट के पास तुमसे बात करते हुए वो वहाँ से गायब हो गई। झूठ मत बोला। सर ट्रस्ट मी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तू छोटा है, वो मैं देखूंगा भी नहीं। पुलिस स्टेशन में ले जाकर तेरे चार टुकड़े कर दूंगा। चल बोल। सर सर बर्थडे के दिन मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, इसीलिए अकेले ले गया था। ट्रस्ट मी सर, हमारे ऑपोजिट में एक वैन आकर खड़ी हो गई थी सर। वैन? हाँ सर, मुझे लगा अम्मू वैन वाले को जानती है, इसीलिए मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया सर। वैन में जो आया था उसे देखा था? सर नहीं सर। वैन किस टाइप की थी? सर बहुत अंधेरा था, कुछ समझ में नहीं आया। बर्थडे फंक्शन में जो आए थे उन लोगों में से किसी के पास भी वो वैन हो सकती है, और वो पक्का साइको की ही गाड़ी हो सकती है। चेक करो। सर उस गाड़ी को चेक किया क्या? उसमें अपने एसीपी जा रहे हैं सर। हमारे ऑपोजिट में एक वैन आकर खड़ी हो गई थी सर। वैन? हाँ सर, मुझे लगा अम्मू वैन वाले को जानती है, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया सर। वैन में जो था उसे देखा था? सर नहीं सर। वैन दिखने में कैसी थी? सर बहुत अंधेरा था, कुछ समझ में नहीं आया। अम्मू जिंदा? जीजा जी प्लीज, मैं अपनी जान देकर भी अम्मू को बचाऊंगा। घूम घूम कर दो दिन हो गए तेरे ही भरोसे, वैसे भी वो पुलिस वाले की बेटी है, उसके चंगुल से बच के निकल जाएगी। उस दिन तुझसे साइन करवा के मुझे फंसा दिया था उसने, तुझे याद है ना? उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी है, गोटियों से भी बड़ी। उसे दिखाकर डराकर वो बचकर आ जाएगी। एक बार मेरी बेटी वापस आ जाए, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, ये गांव छोड़ दूंगा, अपने गांव में जाकर वहीं रहूंगा। अरे अम्मू तो मेरी आंखों के सामने ही दिख रही है, मिल जाएगी सब भरोसे के बाद। मिल जाएगी अब, मुझे पूरा भरोसा है। क्या बोला तुम? अरुण कौन है वहां? है कुछ नहीं जीजा जी। मुझे देखने दे। मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे देखने दे। अब अरुण
अरुण क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ये अम्मू को टेडी बेयर देना था, ये डिग्गी में रह गया था, उसे देना था, मैं भूल गया था। ए अरुण, अम्मू के बारे में कोई क्लू मिला था, तूने ऐसा कुछ बताया था ना, बोला था ना, ये ले, ये रे कार की चाबी, ले ना, कार लेकर चले जा, उसे मत देख, ले ले, तू अभी जाकर अम्मू को लेकर आ, तू मुझे इंतजार मत करवाना, पकड़ जा, जा ना। ठीक से कार चलाना नहीं सीखा हूं, इतनी जल्दी क्या थी से कार सिखाने? भैया आप सीख लीजिए। कान में छेद किया था तब वो बहुत तड़प रही थी, अभी वो कहीं भी बैठकर याद करती हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे अरुण। आपकी बेटी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब इसका मैं क्या करूं डॉक्टर? उसने तो पहले ही काट कर ऐसे मैं आखिर कब तक इसे छुपाता रहूंगा पता नहीं। हम लोग निकलते हैं, तुम अपने आप को संभालो। हॉस्पिटल में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, इसीलिए गन यूज करना पड़ा मुझे सर। तो फिर लड़कियों के स्कूल में मिस्टर अरुण ने गन फायर किया,
वो हीरोइज्म था क्या? उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज किया गया, कोर्ट में सही ढंग से बहस नहीं हुई। आप कहते हैं दोषी वही है, कैसे फैसला किया आप सबने? पुलिस से कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, ऐसा सोचते हैं क्या? और दो दिन में मिस्टर अरुण को इस कमेटी के सामने हाजिर होना चाहिए, नहीं तो ये यूनिफॉर्म उतार के आप लोग बाहर जा सकते हैं। तुम्हें कमेटी के सामने हाजिर होने के लिए समन भेजा गया है। सॉरी अरुण, मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं है। मैं ऑफिशियली तुम्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। इस केस से तुम दूर ही रहो। वो 4 लड़कियां स्टूडेंट्स, किसी ना किसी बात में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, और वो क्या है ये बिना पता लगाए ही मैं हार चुका हूं। और मेरे चारों ओर जो हैं उनमें से किसी को भी मैं बचा नहीं सका, एक को भी नहीं, तो ये वर्दी किस काम की? डर लगता है मुझे, तुम मेरे साथ रहना बीजी। ये पुलिस की नौकरी, ये काम और ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। और वो क्या है ये बिना पता लगाए ही मैं हार चुका हूं, और उन चारों लड़कियों में से किसी एक लड़की को भी मैं बचा नहीं सका। ए, ये सब तुम्हें रिकॉर्डिंग करने के लिए किसने कहा था? सॉरी, कोई भी बात करता है तो ये रिकॉर्ड करके बार बार सुनकर बात करने की कोशिश करती है। ये मैंने मेरी स्टूडेंट मीरा ने जहां से खरीदा था उसी कंपनी से लिया है। वो मीरा के भी हेडफोन में ये फैसिलिटी है? हाँ। ये चीजें मीरा की बॉडी से मिली। मीरा के हियरिंग एड्स। हैप्पी एनिवर्सरी, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उसके सर पर मारते वक्त ये रिकॉर्डिंग हुई है। ये मीरा की आवाज है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कोई म्यूजिक रिलीज नहीं हुआ अभी तक, लेकिन क्या बोला, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है इसमें। बट इन दिस स्टाइल मैक्सिकन इंडियन मिक्स, मुझे लगता है कि प्लेइंग का जो स्टाइल है उस स्टाइल को देखा जाए तो आप जो ढूंढ रहे हैं वो साइको, मे बी ही कुड बी प्योरिस्ट। सर अब जैसा बोल रहे हैं वैसा प्रोग्राम हम कर तो सकते हैं, बट 9 to 10 का स्लॉट टाइम जो है वो ज्यादा सुनने वालों का टाइम है, इसलिए हेड ऑफिस से उसकी परमिशन लेनी होगी। सर मैं सस्पेंशन में हूँ सर, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, लेटर नहीं होगा तो मैं अपने स्टाफ को बोल नहीं पाऊंगा ना सर। अरुण तुम सिचुएशन समझ के बात नहीं कर रहे हो क्या? तुम्हारी इंक्वायरी कमीशन में खड़ा होने पर वो लेडी असिस्टेंट एसीपी, उन सबको लोगों ने बहुत सुनाया है भाई, और 2 दिन में तुम्हें हाजिर करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए, और अब तुम जाके असिस्टेंट एसीपी से परमिशन लेटर मांग रहे हो, वो ऐसे कैसे साइन करेगी? गुड इवनिंग, यह 92.7 बिग एफएम और मैं हूं आपके साथ आपका रंगीला दोस्त आरजे कार्तिक। और आज का गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जो म्यूजिक ट्रैक मैं प्ले करूंगा वो किसने कंपोज किया है, वो किस राग का है, किस ताल का है, ये आपको मुझे डिटेल्स में बताना होगा। जल्दी से मुझे फोन लगाइए, और फोन आने शुरू हो गए, फर्स्ट कॉलर लाइन पे है।
हेलो सर, बोलिए। नमस्ते सर, मैं मारी तामरम से बोल रहा हूँ सर। तो चलिए इस म्यूजिक की मुझे सारी डिटेल्स बताइए। क्या सर, आप सिर्फ म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, कुछ क्लू दीजिए तो मैं बता सकता हूँ ना। आपके लिए मैं गाना बजाने वाला हूँ, ठीक है, ये लीजिए। और आ गया हमारा दूसरा कॉल। हेलो, वेलकम। आपने जो म्यूजिक प्ले किया है वो अच्छा है, पर उसके बारे में कुछ पता नहीं। ओके, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे कॉलर से। स्वागत है आपका। कॉल करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सुनवाने वाले हैं आपको इस प्रोग्राम का अगला गाना, तो एंजॉय कीजिए और अपने मूड को बनाते रहिए। और लगातार हमारे इस प्रोग्राम में कॉल आते ही जा रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे कॉलर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा है। मैं हूँ आपका रंगीला दोस्त आरजे कार्तिक। तो लीजिए, आप हाजिर है हमारे साथ आज के प्रोग्राम के अगले कॉलर। और अब बजाने वाला हूँ आपके लिए इस प्रोग्राम का नया गाना जो अभी रिलीज हुआ है। सर, हाफ एन आवर का प्रोग्राम है सर। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया सर, लेकिन अगले प्रोग्राम में एक एक्टर लाइव परफॉर्मेंस देने वाला है सर, और वो एक्टर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सर, वो म्यूजिक एक लड़की ने सुना है, ऐसा बोल रही है। वो लाइन पे है सर। हाँ श्वेता, इस ट्रैक का डिटेल बताइए प्लीज। हमारे स्कूल के एनुअल डे के फंक्शन में सुना है सर। तुम्हारे स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में तुमने सुना था, राइट? श्वेता, एनुअल डे फंक्शन कब हुआ था? 3 महीने पहले स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हुआ था। एनुअल डे फंक्शन का कोई वीडियो निकाला है क्या? इस लेडी का फोन नंबर या कोई कांटेक्ट डिटेल है क्या? सर, ये लेडी गूंगी है, बोल नहीं पाती है, ऐसा इसने बताया था, और खुद ही आकर शो करती है। अब चूंकि वो बोल नहीं पाती है तो हमने उसका कांटेक्ट नंबर लिया ही नहीं सर। हेलो। हेलो बीजी, स्कूल में हो क्या? हाँ। मीरा गुम हुई थी, उससे पहले तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ था, उसमें मैजिक शो हुआ था। हाँ। अच्छा, वो एक ओल्ड लेडी थी। हाँ। फॉरन प्रिंसिपल के रूम में जाओ और उसके बारे में पता करो। हेलो विकेट। हेलो। हाँ, तुम फॉरन अमुदा के स्कूल में जाओ। थोड़ी देर पहले वहाँ पर मैजिक शो हुआ था, उसका वीडियो लेकर आओ। अरे फॉरन करो, फॉरन फॉरन। हाँ, पास 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 पास। केस इस केस में पहले किडनैप हुई समीपता। किडनैप करने वाला दिन है अक्टूबर 20, और जिस दिन एनुअल डे फंक्शन हुआ था वो डेट थी अक्टूबर 18। दूसरी अमुदा, नवंबर 16। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन हुआ था स्कूल में अरुण। तीसरी मीरा, 20 दिसंबर को अरुण, दिसंबर 18 को एनुअल फंक्शन था। चौथी अम्मो, इस बच्ची के किडनैप होने के 2 दिन पहले सब स्कूल्स में फंक्शन हुए थे। सभी स्कूल्स के फंक्शन में कॉमन इवेंट था मैजिक शो। मैजिक शो को किडनैप के लिए टूल के रूप में यूज कर रही है वो लेडी। पहले शो के जरिए स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करना, दूसरा स्टूडेंट्स में से एक को चूज करके ऊपर बुलाती है, तीसरा बुलाए गए स्टूडेंट से अच्छी तरह इंटरेक्ट होकर उससे क्लोज हो जाती है,
और चौथा सिलेक्ट करने वाली स्टूडेंट का पीछा करना शुरू करती है। पांचवा फॉलो किए हुए लड़की को दूसरे दिन बिना हंगामा किए वो किडनैप कर लेती है। यही उसका फॉलो करके किडनैप करने का पैटर्न है। हमें इमीडिएट क्या करना चाहिए? वो लेडी किसी दूसरे स्कूल में ऐसे ही मैजिक शो दिखाने की कोशिश कर रही है। हमें सीक्रेटली पता लगाना होगा। मैं उसकी सारी डिटेल्स निकालता हूँ। अरुण, इस महीने की 17 तारीख को स्कूल में मैजिक शो हुआ था। वो जो लेडी है ना, वही वहाँ पे मैजिक शो कर रही थी। आज तारीख कितनी है? दो दिन हो गए। तो इसका मतलब आज दूसरा दिन है। टाइम हो गया, जाकर बेल बजा दो। ओके मैडम। हेलो सुंदरम, 10 मिनट रुक जाओ। विकेट, मेन गेट लॉक करने को बोलो। लॉक करो। प्रिंसिपल रूम कहाँ है? सामने ही है सर। मैम, मैंने आपको कॉल किया था। पॉज पॉज, ये लड़की कौन है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? इसका नाम संजना है, 10th ए में पढ़ रही है। स्कूल में फर्स्ट आती है। 10th ए कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर सर। गर्ल्स, यहीं वेट करना, ये डायग्राम ठीक से बना लेना। मैम, मैं हूँ अरुण। yes? पुलिस डिपार्टमेंट। सर, कोई प्रॉब्लम है? मैम, बच्चों की हिफाजत के लिए एक छोटी सी मीटिंग है। ओके सर, गो अहेड। गर्ल्स, एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ। अपने चारों तरफ जो होते हैं वो सभी अच्छे नहीं होते हैं। परेशानी घर में हो या पब्लिक प्लेस में, मुसीबत किसी भी रूप में आ सकती है। जब मुसीबत आएगी तो मेरे 5 पॉइंट याद रखना और हमेशा के लिए दिमाग में रख लेना। फर्स्ट पॉइंट, डरना नहीं है। फियर इज अ बिगेस्ट एनिमी और वो मेंटली और फिजिकली आपको मुश्किल में डाल देगा। सेकंड पॉइंट, सिचुएशन को फेस करना, सामने वाले को आप हिम्मत वाली हो ऐसे दिखाना। थर्ड पॉइंट, एट द सेम टाइम तुम्हारी प्रॉब्लम से बचने के लिए रास्ता ढूंढो। फोर्थ पॉइंट, किसी को खबर करने की कोशिश करना। फिफ्थ पॉइंट, अगर इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है तो अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर उस पर अटैक करो। आप लोगों को एक बात पता है, बच्चा पैदा होते वक्त का दर्द मर्द नहीं सह सकता। सो अपनी पूरी ताकत दिखाइएगा। बी बोल्ड एंड बी कॉन्फिडेंट, ओके गर्ल्स? और हाँ, लास्ट वन थिंग, तुम लोगों की हिफाजत के लिए ही पुलिस है। आप सबके पास सेलफोन है क्या? मैम, प्रिंसिपल ने आपसे मिलने के लिए कहा था, आप मिलकर आ जाइए ना। ठीक है। हाँ। अभी बताइए, आप सबके पास सेलफोन है? यस सर। गर्ल्स, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप सब सेव कर लीजिए। नंबर नोट कर लिया बेटी? नोट कर लिया सर। दिखाओ। वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर टाइम।
केयरफुल केयरफुल, मिस नहीं होना चाहिए। चलो चलो चलो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। hey, hey! मैंने बोला रोकना मत, तो भी रोका क्यों? हमने सिग्नल मिस कर दिया है, अब आगे जाकर लेफ्ट मारो और आप लोग उसे फॉलो करो। जाओ 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 जाओ। अरुण, जहाँ से राइट है ना, वहाँ बसंत पणि नाम का एक ट्यूशन सेंटर है, वो लड़की वहीं उतरी है। तुम्हारे सामने ही है ना? हाँ। वो लड़की आ रही है। वो लड़की बाइक पर बैठ गई है, तू उसे फॉलो कर। चलो चलो, डिस्टेंस मेंटेन करो। Careful, careful. इधर कौन है सर आप? वो वैन में था, वो तुमसे क्या पूछ रहा था? एड्रेस पूछ रहा था। वो आदमी कैसा था? आप लोग कौन हैं? मैं अरुण हूँ बेटी, तुम्हारे क्लास में आकर नंबर दिया था। सॉरी सर, मेरी सिस्टर संजना के क्लास में गए होंगे सर। मैं संगीता, हम दोनों ट्विन्स हैं। संजना कहाँ है? वो म्यूजिक क्लास में गई है। कहाँ पर? स्कूल के ऑपोजिट। क्यों सर? क्या हुआ साइमन? मुझे कुछ मिला है सर। साइमन, तुम फौरन कंट्रोल रूम जाओ और संजना का नंबर ट्रेस आउट करो। हेलो सर। उसका नंबर ट्रैक हो गया है, वो इस समय कथीपरा फ्लाईओवर से गुजर रहा है।
गुड, नजदीक से वॉच करो, चलो कत्ती पर आओ। अरुण, विनी रोड पर माउंट पेनी चर्च के पास मुड़ रहा है अरुण। वेरी गुड, मैं सेंट थॉमस की तरफ ही जा रहा हूँ, कीप ट्रेसिंग। अरुण अभी पैट्रिक चर्च क्रॉस करने के बाद ब्रिटो कॉलोनी की तरफ जा रहा है। हम ऑलमोस्ट सेंट थॉमस के पास ही। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। दूसरा कोई मूवमेंट है क्या? डू यू सी एनी मूवमेंट? अरुण, नंबर ट्रैक होते होते टावर कट हो गया। शिट, लास्ट कहां पर कट हुआ है? ब्रिटो कॉलोनी के पास। कौन सी जगह है मैम? घर में सब ढूंढेंगे, मुझे जाना है जल्दी। वो ब्रिटो कॉलोनी से बाहर नहीं गए हैं। अगर बाहर जाते तो टावर से इंटरनेट कनेक्ट हो जाता। अरुण, राइट 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 राइट। ओके सर। मैम, मुझे बाथरूम जाना है। वेंकट, यही जगह है, इधर उधर चेक करो और तू लेफ्ट ले ले। हेलो संजना। हेलो अरुण सर, मैं संजना बोल रही हूँ सर। आप बोलो संजना। मैं एक जगह में अटक गई हूँ सर। ठीक है संजना, तुम एग्जैक्ट कहाँ पर हो बताओ। मैं अभी बाथरूम के अंदर छुपी हुई हूँ सर। डरो मत संजना, हम लोग तुम्हारे आसपास ही हैं, ठीक है। अरुण, कंट्रोल रूम। एक मिनट। हेलो सर, आप जिस जगह पर हैं वहाँ से नॉर्थ साइड में 200 मीटर की दूरी पर वो लड़की है। आप बिल्कुल पास में हैं, पर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओह शिट, नहीं, यू टर्न, यू टर्न। Thus, you can speak. सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सर, क्या हुआ संजना? सर, बोलो संजना। वो दरवाजा तोड़ रही है सर। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है सर। मैंने जैसा कहा था, डरना नहीं संजना। सर, वो मुझे मारने आ रही है। नहीं, तुम हिम्मत से काम लो। मुझे बचा लीजिए सर। तुम कहाँ हो? हम लोग ने ढूंढ लिया है। डरो मत, उस बाथरूम में खिड़की है क्या? जल्दी बोलो।
बोलो संजना। हाँ सर। सिचुएशन को अच्छे से फेस करो, खिड़की तोड़कर वहां से निकल सकती हो क्या? वो देखो कुछ भी तुम्हारे सामने होगा उसे खिड़की को तोड़ने की कोशिश करो संजना। साइमन मैं संजना की ओर करेक्ट जा रहा हूँ ना, तुम्हारे लेफ्ट साइड में 5 मीटर की दूरी पर है। अरुण इस वक्त तुम जहां पर हो उसी जगह पर वो सेलफोन है। संजना तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। मार वार तो नहीं लगी ना? कुछ जख्म तो नहीं ना? वो औरत कहां पर है? उधर। तुम यहीं रुको, मैं आता हूं।
यही है कोड़ाकनाल 2000 बैच के सर। यही है क्या? ये तो चेन्नई में यार। आप लोग जैसा सोच रहे हैं उस लेडी का नाम एनेवेला जॉर्ज नहीं है, उसका नाम मैरी फर्नांडिस है। इस फोटो में जो है यही है फर्नांडिस, वो एक म्यूजिशियन है और ये औरत म्यूजिक टीचर थी कभी। इसके पति के मरने के बाद ये म्यूजिक शोज करने लगी। उसका एक बेटा क्रिस्टोफर जिसे उसने सबके सामने मिलवाया था, लेकिन क्रिस्टोफर को देखने के बाद वहां जितने भी लोग थे वो चकरा गए थे। कारण ये था कि बचपन से उसे ऐसी बीमारी थी कि वो हमेशा बूढ़ा ही दिखता था, इसलिए स्कूल के बच्चे उसके साथ कभी नहीं बैठते थे, जिसकी वजह से शायद उसे बहुत निराशा हुआ करती थी। सोफिया से मिलने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा था, लेकिन सोफिया के किसी भी फ्रेंड्स को वो कभी अच्छा नहीं लगा। चलो हम लोग खेलते हैं। क्रिस्टोफर को कोई परेशानी ना हो इसलिए मैरी उसे बहुत ही प्यार से पालती थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सोफी। दूसरों के बारे में फिक्र किए बिना क्रिस्टोफर को मैजिशियन बनाने के लिए उसे तैयार करने लगी, और इस बीच सोफी के ऊपर क्रिस्टोफर की दिलचस्पी बढ़ने लगी। और उसके मन में सोफी के प्रति धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा था। सोफिया, सोफिया, क्या हुआ बोलो ना। सोफिया, हे सुपर यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर सोफी को पहले झटका लगा। सोफी, बाद में उसे उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सोफी भी उसे दूर होती चली गई, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर को तकलीफ हो रही थी। सोफी का उससे दूर जाना क्रिस्टोफर के लिए, सोफी मेरी बात तो सुनो, बहुत ही असहनीय हो रहा था। सोफी मेरे से बात तो करो। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम बार बार इसका पीछा। सोफी सुनो, सोफिया मेरी मम्मी के बाद मेरा सबसे ज्यादा ख्याल तुमने ही रखा है। वो सोफिया के उस व्यवहार को सहन नहीं कर पा रहा था। वो स्कूल के लाइब्रेरी से जो बुक में लिखा हुआ था जेनेटिक संबंध के बारे में, उन सब को वो निकाल कर उसे पढ़ने के लिए बोली, और उसके हार्मोन में जो प्रॉब्लम थी वो उसे बताने की कोशिश कर रही थी। नो 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 सोफिया, नो प्लीज डोंट गो, डोंट गो क्रिस्टोफर, मेरा पीछा मत करो। नॉर्मल सोफिया, सोफिया मेरे यकीन करो, मैं नॉर्मल हूं। पहले से पढ़ तो लो। इतना समझाने के बाद भी क्रिस्टोफर को बात समझ में नहीं आई, इस वजह से सोफी अपने गुस्से को रोक नहीं पाई और उसे बोल दिया कि वो शादी के लायक नहीं है, वो एक नामर्द है। तुम्हें प्यार के बारे में या शादी के बारे में नहीं सोचनी चाहिए, और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये कहकर वो गुस्से में चले गए। उस दिन वो अपनी बीमारी के बारे में, अपने शरीर के बारे में और लोग उसे नहीं चाहते इस बारे में मैरी को बताकर बहुत रो रहा था। लेकिन उसकी माँ मैरी तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनेगा, जादूगर बनेगा, ऐसा बोलकर उसे समझा रही थी। उसने उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए, उसके वहम को दूर करने के लिए उसे अच्छे से सजाया पहनाया, ताकि उसका अपने ऊपर भरोसा पैदा हो, और इस यकीन के साथ वो फिर से स्कूल जाने लगा। स्कूल के बच्चे क्रिस्टोफर को चिढ़ा रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उसकी फोटो बनाकर उसके ऊपर हंस रहे थे।
मैम सॉरी, मुझे क्रिस्टोफर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दूसरे दिन मैं बीमार पड़ गई थी इसलिए स्कूल नहीं आई थी। मैरी ने भी सोफी को समझाया कि कोई बात नहीं, उससे तुम दोबारा फ्रेंडशिप कर लो और उसे एक गिफ्ट भी दिया। उसकी माँ अरेस्ट होकर के बाहर आ रही थी, वहां के सभी लोग बहुत डरे हुए थे। रिलीज होने के थोड़े दिनों बाद दोनों एक एक्सीडेंट में चल बसे, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन वो औरत अभी तक जिंदा है, वो इस तरह से कत्ल कर रही है, ये सुनकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। एनीहाउ, उसे जितनी जल्दी हो सके पकड़ लीजिए, वरना पता नहीं क्या करेगी वो। अरुण, इमरजेंसी। क्या बात है सर? तुमने जो वीडियो देखा था उसकी एक फोटो मिली है, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ आता हूँ सर। दुरई को भेजा मैंने। राजमणि सर की हत्या हो गई है, अभी मैं उन्हीं के घर पे हूँ। अरुण ये सब क्या हो रहा है? उस लेडी ने इनका कत्ल किया। सर के घर के 10 किलोमीटर के अंदर ही वो हो सकती है। सराउंडिंग एरिया में सबको अलर्ट कर दो वेंकट। ठीक है मैं देखता हूँ इसे, लेकिन तुम स्पॉट छोड़ दो ना। कर रहे हो अरुण? सर राजमणि सर ने मुझे किसी केस में थोड़ा अर्जेंट बुलाया था। 1 मिनट, कम इनसाइड। ओके मैम। अरुण, मैम ने तुम्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बुलाया है। सर मैंने क्या किया? सर बहस मत करो, गाड़ी में बैठो। इसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाओ। आओ मिस्टर अरुण, सभी को अपने पीछे लगवा कर तमाशा दिखा रहे हो क्या? मैम अब तक हम जिस केस के पीछे भाग रहे थे उस केस में और भी कोई बड़ा सीन है ऐसा लगता है मुझे मैम। जो अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाता उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, अब उसमें हलचल होना शुरू हो गई है और इस केस की जांच करने वालों की वो पीछे लग गई है मैम। देखो इस केस में तुम्हें टांग नहीं अड़ानी है, इसीलिए तो तुम्हें सस्पेंड करवाया था। मैम प्लीज मैम। समझ में नहीं आता क्या? जा इसे बाहर ले जाकर अच्छे से समझाओ। जाओ मैम। मैं बोलता हूँ मैम, सुनिए मैम, चलो ये कोई खेल नहीं है मैम। मैम प्लीज मैम मेरी बात सुनिए।
जरिए एक्यूज्ड की तरह लग रहे हैं ये हथियार। आप अपना काम कीजिए, मैं भी राउंड पर जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। भाई राजामणि सर का लास्ट में देखा वो फोटो कहाँ है? है सर, सेल्फ में है सर। मेरी एक हेल्प कीजिए, वो फोटोज मुझे दिखाइए प्लीज। सर वो फॉरेंसिक में जाने वाला है, अभी उसे निकालना तो मुश्किल हो जाएगी और आप तो जानते हैं कि बेवजह में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बस वो फोटोज मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए दिखा दो, कोई क्लू मिलता है क्या देखना है? भाई प्लीज भाई। एक मिनट सर। भाई वो टेबल यहां पर लाओ। सर राजामणि सर जो बोलना चाह रहे थे वो क्लू यहीं पर है, इस लड़की की 6 उंगलियां हैं। कितने दिनों से गलत आदमी को ढूंढ रहे थे। अरुण को अरेस्ट कर लिया है सर। हाँ सर, 9 बजे से पहले आपके पास हाजिर कर दूंगी सर। नहीं सर, यस सर। मैम। यस सर, थैंक यू सर। ए, कैसे बांधा था इसने, हथकड़ी कैसे खोली? हाँ मैम, मैं जो बोल रहा हूँ उसे 1 मिनट सुन लीजिए। ये देखिए मैडम। ये सब फोटोज लैब में भेजने थे ना, तेरे पास कैसे आई इसके पास? मैम वो साइको मेरी फर्नांडिस है, ऐसा इसमें। बच्ची अभी तक सोई नहीं क्या? मैम राइम सुनाओ क्या? ठीक है। बेबीज ब्राउजिंग कॉजी एंड फेयर, मदर सेज नियर रॉकिंग चेयर। मैम मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए मैम। फॉरवर्ड एंड बैक शी इज रेस्ड क्रेडिट, डोंट वरी बेबी योर मदर इज नियर। मैम इस बात को जरा सीरियस ले लीजिए। मैम वो साइको जो हम समझ रहे हैं वो मेरी फर्नांडिस नहीं है मैम, बल्कि वो साइको तो उस लेडी का बेटा क्रिस्टोफर है मैम। उसका एविडेंस इस फोटो में है मैम, हमने उसे ट्रेस किया था, उसे पता भी नहीं है मैम, वो तो आजादी से घूमता होगा। ए, इस केस को हाइपर करना चाहते हो क्या? मैम इस सिचुएशन में वो सारे पुलिस वाले, मैम इस सिचुएशन में वो सारे पुलिस वाले उस लेडी को ढूंढते होंगे मैम। चेहरा बहुत ही अजीब सा है, उम्र 55 से 56 साल के आसपास हो, सफेद चेहरा सफेद बाल, ऐसे किसी भी आदमी पर अगर शक है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, फिर दोनों सो जाएंगे। हाँ प्लीज। मुझे 1 दिन के लिए यूनिफॉर्म पहनकर बाहर जाने की परमिशन दे दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। तुझे बाहर छोड़ देते हैं और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। हम
कायल नीचे मत आओ। कायल अंदर जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है मैम? ए, बाहर निकल। मैम आपके ईगो की वजह से वो क्रिस्टोफर छूट जाएगा। मैम अगर अभी तू सीधे से बाहर नहीं गया ना, तेरे कपड़े उतार के बाहर निकालूंगा। अरुण फोन मैम, मैं आपसे बोल रहा हूँ। और क्या है बीजी, बार बार फोन कर रही हो? अरुण, अरुण तूने पता नहीं मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कहाँ हो तुम? अरुण बीजी, क्या हुआ? अरुण, हेलो बीजी, हेलो बीजी, हेलो 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 बीजी। हाँ शायद वो चला गया। वो कैसा था बीजी? दिखने में वो बुजुर्ग लग रहा था। क्रिस्टोफर बीजी, कायल की हिफाजत करो, मैं अभी के अभी वहां आ रहा हूँ। कायल को कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी आ जाओ। बीजी बीजी क्या हुआ? हेलो बीजी, बीजी कायल, बीजी कायल को क्या हुआ? कायल, कायल बीजी, कायल कहाँ है? वो कायल को उठा कर ले गया। प्लीज कायल को बचा लो। सर, सर क्या हुआ? सर कुछ बोलिए ना सर, क्या हुआ? क्रिस्टोफर कायल को उठा कर ले गया। मैम वो क्रिस्टोफर मेरी बच्ची कायल को उठा कर ले गया। क्या है, ड्रामा कर रहे हो क्या? ए, हथकड़ी पहनाओ इसे। सुबह तुम्हें कमिटी के सामने हाजिर करना है, उससे पहले तुम कहीं नहीं जाओगे, और अगर जाने की कोशिश भी की ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। समझ लेना मेरी बात को। नहीं होगा मैम। ए, पशुपति लीजिए सर, लीजिए। पशुपति क्या कर रहे हो तुम? सर आपको जो करना है वो कीजिए सर, उस बच्ची को जाकर बचा लीजिए। मुझे जेल जाना होगा, मैं चला जाऊंगा सर। ये क्या कर रहे हो तुम? अच्छा सुनो, मैडम बहुत गुस्से में है, अभी आधे घंटे तक डिस्टर्ब मत करना, ठीक है ना? ऐसा उन्होंने बोला है, जाओ। हे एक्सक्यूज मी, तुम्हारा बैग भी लूज हो गया है। हेलो, मैं तुमको कह रहा हूं, बैग भी लूज हो गया है। हेलो, हाँ अरु वेंकट, उस लेडी के बारे में कुछ पता चला क्या? तू जो सोच रहा है वो साइको, वो लेडी नहीं है, वो उसका बेटा क्रिस्टोफर है। वो बुड्ढों की तरह रूप बनाता है, और अभी वो साइको अपनी कायल को लेकर गया है। क्या बोल रहे हो अरु? हाँ वेंकट, बाकी सब सामने आकर बता रहा हूँ। तो उस क्रिस्टोफर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके हाथ में 6 उंगलियां होंगी वेंकट। इन्फॉर्मेशन देकर सबको अलर्ट करो। हेलो वेंकट, हेलो वेंकट, सुन रहे हो ना? वेंकट लाइव में हो क्या? हेलो, हेलो वेंकट, वेंकट सुन रहे हो? हेलो एक मिनट, क्या हुआ वेंकट? क्रिस्टोफर, हेलो हेलो क्रिस्टोफर, बाहर आ जाओ। हेलो वेंकट, वेंकट बोलो क्या हुआ वेंकट? वो मुझे मिल गया अरुण। क्या बोल रहे हो वेंकट? क्रिस्टोफर बाहर आ जाओ। वेंकट क्या हुआ? वेंकट, वेंकट कौन सा एरिया है? वेंकट नंदन मॉर्चुरी के साइड वाला सबवे। वेंकट, वेंकट कायल वहां है क्या? वेंकट कायल वहां है क्या? एक मिनट अरुण,
अरुण कायल यहीं पर है, उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ, वेंकट सोचो मत, शूट कर दो। क्रिस्टोफर नीचे उतरो। वेंकट, वेंकट मार दो उसे। हेलो, वेंकट, वेंकट सोचो मत, मार दो उसे। अब रे दोनों हाथ ऊपर करो। वेंकट उसे मार दो। शूट वेंकट। हाथ ऊपर उठा। वेंकट, वेंकट सोचो मत, शूट करो। वेंकट, हेलो मैं बोल रहा हूँ, वेंकट शूट करो। वेंकट शूट करो, उसे बोल रहा हूँ। शूट वेंकट। वेंकट प्लीज मेरी बात सुनो। हेलो वेंकट, वेंकट क्या हुआ? हेलो वेंकट, हेलो वेंकट। हेलो नंदन सर। हेलो अरुण। वो साइको मेरी फर्नांडिस नहीं है, वो क्रिस्टोफर है सर। ये तुम क्या कह रहे हो अरुण? उसने घर से घायल को उठा लिया है सर। ओह माय गॉड सर, वो आपके बाहर के सबवे पर ही है और वेंकट ने उसे लॉक किया था सर, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ। एक मिनट, एक मिनट। अरे कायल तू यहाँ पर कैसे बैठी? हाँ वेंकट, वेंकट, तू भाग जा बेटी, भाग, भाग जा कायल। भाग जा तू, भाग जा। बच्ची को छोड़ दे, मैं सोचूंगा नहीं शूट कर दूंगा। क्रिस्टोफर नहीं, thank you।
ठीक लग रहा है ना? स्कूल की बच्चियों को किडनैप करने वाला साइको किलर क्रिस्टोफर कल रात को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया है। इसके लिए डीसीपी की यूनिट के लोगों को मुख्यमंत्री और पब्लिक ने काफी बधाई दी है। इस बात को लेकर हमारे पास और भी काफी जानकारी है जो हमारे साथी रिपोर्टर आपको बताएंगे।
हेलो, मैं भारतीय फिल्म का प्रोड्यूसर रामास्वामी बोल रहा हूँ। क्रिस्टोफर नाम के एक साइको किलर के बारे में आजकल लोग काफी बातें कर रहे हैं। आपने उस दिन जो साइको की कहानी सुनाई थी वो मुझे अच्छी लगी थी। आप स्क्रिप्ट लेकर ऑफिस में आएंगे क्या? मीटिंग करते हैं।